हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉइड आईओएस ट्यूटोरियल के चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर का मेन फोकस नेटवर्किंग के ऊपर होगा, तो चलिए चलते हैं इसके फर्स्ट लेक्चर में, जहां हम देखेंगे कि नेटवर्क क्या होता है। एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करने को हम नेटवर्क कहते हैं। आजकल हम जितने भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, उनमें से मैक्सिमम एप्लीकेशंस अपने यूज़र्स को लाइव डेटा फीड कराने के लिए नेटवर्क का यूज़ करती हैं। फिर चाहे हमारा सोशल मीडिया स्टेटस अपडेट करना हो या फिर फाइल्स को डाउनलोड करना, सब कुछ नेटवर्क से ही मैनेज होता है। तो जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, तो बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड सर्वर होता है जिसमें सारा डेटा स्टोर होता है, और हमारा एप्लीकेशन उस सर्वर से API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू डेटा को फेच करता है। जब हमारा क्लाइंट यानी कि हमारा एप्लीकेशन सर्वर से कुछ डेटा फेच करने के लिए कनेक्ट हो करता है, तो उसे हम रिक्वेस्ट कहते हैं। रिक्वेस्ट मेनली दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है गेट और दूसरी होती है पोस्ट। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, गेट रिक्वेस्ट से हम डेटा फेच करते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट से हम डेटा सेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी यूज़र की प्रोफाइल शो करनी है, तो पहले हमें उसकी प्रोफाइल का डेटा चाहिए होगा, तो हम एक गेट रिक्वेस्ट सर्वर पर हिट करेंगे जो हमें उस यूज़र की प्रोफाइल का डेटा फेच करके रिटर्न करेगा। फिर अगर यूज़र ने अपना डेटा मॉडिफाई करा, तो हम न्यू डेटा के साथ एक पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करेंगे जो सर्वर में यूज़र का न्यू डेटा सेट करेगा। अगर सिंपल वे में देखा जाए, तो गेट मेथड का हम एक रीड ओनली मोड के लिए करते हैं और पोस्ट मेथड का यूज़ राइट मोड के लिए होता है। ये तो हुई सर्वर तक जाने की बात। अब सर्वर से जो डेटा फेच होकर ऐप को भेजा जाता है, उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। मोस्टली ये रिस्पॉन्स दो फॉर्मेट में आते हैं, एक होता है XML और दूसरा होता है JSON। तो ये था एक नेटवर्क के बारे में एक बेसिक नॉलेज। अब हम आगे देखेंगे कि हम हमारे एप्लीकेशन को इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।